हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक अगेन सो आज का वीडियो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सभी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए या उन सभी रिसर्चर्स के लिए जो पेटेंट के बारे में सोच रहे हैं पेटेंट फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं उसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों को कभी पेटेंट की आप प्लानिंग कर रहे हैं कि सर पेटेंट हमने बनाया हुआ है और हमारा पेटेंट किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कैसे हम उसको सर्च करें ऑनलाइन तो मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताने वाला हूँ यूज़फुल ट्रिक ये है कि आपको गूगल पे टाइप करना है पेटेंट सर्च पेटेंट सर्च का मतलब है कि आप कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं पेटेंट के बारे में तो एक साइट ध्यान रखनी है वो है ipindiaservices.gov.in जब आप इस साइट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेटेंट सर्च ऑप्शन खुल के आ जाएगा वहाँ पर जब कभी भी हम पेटेंट फाइल करते हैं तो अब आप पेटेंट फ़ाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या फिर आप किसी एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं या अगर आप कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे हैं तो भी अगर आपका पेटेंट फाइल हुआ है तो आपको पेटेंट का स्टेटस जानना है तो आप एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे और एप्लीकेशन स्टेटस में जाके यहाँ पे आपको जब पेटेंट फाइल होता है तो पेटेंट फाइल करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है जिसको हमें यहाँ पर एंटर करना है और उस एप्लीकेशन नंबर को एंटर करने के बाद कैप्चा जो यहाँ पे फिल करेंगे तो इस तरीके से आप शो स्टेटस में जाके आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पेटेंट आपका अभी तक पब्लिश हुआ है या फिर वो पेटेंट फाइल हुआ है या उसका पूरा एग्जामिनेशन पूरा एक पेटेंट ग्रांट तक का जो भी स्टेटस है वो इस एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू हमें पता लग जाएगा जिस तो मैंने आपको ये जो साइट बताई है ये साइट मेरी आई पी इंडिया सर्व आई पी इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन गवर्नमेंट डॉट इन इसका जो पूरा एक मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली ये है एक इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम जो ये पोर्टल है जो वेबसाइट के थ्रू ओपन हुआ है इसी के साथ साथ आप एप्लीकेशन स्टेटस तो जान ही लेंगे और अगर आपको ये पता करना है कि आपका रिसेंटली पेटेंट अगर कोई पब्लिश हुआ है और पब्लिश होने के बाद आप उसको जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से हमारा आ सकता है तो आप इसके अंदर ऑप्शन में ले सकते हैं पेटेंट पब्लिकेशन और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जनरल का तो आप जनरल ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये साइट बहुत ही यूज़फुल है देखिए मैंने जैसे यहाँ पर पेटेंट पब्लिकेशन पे जनरल पे क्लिक किया तो ये कुछ पर्टिकुलर मैनुअल्स निकल के आए हैं यहाँ पर आप अपने जनरल को अपने जो पेटेंट को आप सर्च कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो दो साइट मैंने आपको बताई है एक तो साइट है हमारे पास आई पी इंडिया सर्विसेज डॉट जी ओ वी डॉट इन और एक है साइट ये आपकी आई पी इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन तो इस साइट के थ्रू आप बेसिकली क्या कर सकते हैं इस साइट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो पेटेंट है उसको आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे ये देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शनस हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन हैं पब्लिकेशनस के अंदर आप जाएंगे जर्नल्स में तो जब जर्नल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है यू आर अबाउट टू प्रोसीड एन एक्सटर्नल वेबसाइट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी इस नई वेबसाइट के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि ये अभी रिसेंटली जो पब्लिश हुए हुए जर्नल्स हैं ये आपको दिखा देगा तो यहाँ से आप अपना पूरा का पूरा पेटेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं इट्स वेरी सिंपल तो ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ जैसे हम इस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपकी पेटेंट से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी तो आपको दो साइट ध्यान रखनी है आई पी इंडिया सर्विस डॉट जी ओ वी डॉट इन और एक आपको ध्यान रखनी है आई पी इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन तो इस तरीके से आपका ये पेटेंट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं तो आई होप आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा पेटेंट सर्च कैसे करना है पेटेंट डाउनलोड कैसे करना है दो यूज़फुल वेबसाइट में मैंने आपको बताई हैं अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं कुछ माइंड में क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपकी अभी तक प्रैक्टिस क्या रही है पेटेंट को लेकर और आप मेरे से और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो